Hello, hello, hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome Khushamadi Jianu and Pukar Rangli to all my very beautiful listeners out there who are listening in. I hope, balki I believe ki aap tamam log jahan bhi honge aur mujhe sun rahe honge yakeenan aur khush baash honge, apni life mein enjoy kar rahe honge aur आप वेट कर रहे होंगे हमारे इस शो का जिसे आप में और हम सब जानते हैं वीक एंड बज का वीकली डोज। ठीक है, तो आज एक बार फिर हम उसके एक नए रेडियो शोट के साथ मौजूद हैं। आई गेस इसको रेडियो शोट कहना चाहिए, वेब शोट थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है, खैर कह सकते हैं। तो हम मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी आरजे साथी आरजे सिद्रा सितार, लेकिन उनको बोलने का मौका थोड़ा बाद में दूंगी मैं। और इसके अलावा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले जिन लोगों का है आज हैप्पी वाला बर्थडे, तो उनको मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। जिनकी शादी की बर्बादी कहने वाली थी मैं, लेकिन खैर जिनकी शादी की है सालगिरह है उनको भी मुबारकबाद, और जिनके साथ किसी भी तरह का कोई मिसहैप हुआ है तो अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और उन्हें अपनी लाइफ में आगे आसानी से बढ़ने की आसानी से बढ़ने की तौफीक अता करे। खैर, और आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट बताएंगी सिद्रा, क्योंकि वो कह रही ये मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताती हूँ, तो आपने ये नहीं बताना है, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ व्हाट्सएप नंबर 0330860072 इज द नंबर गाइज, जहां पर आप लोग हमने अपना फीडबैक दे सकते हैं वॉइस नोट में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो बताएंगी आपको सिद्रा। तो सिद्रा, ओवर टू यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एनी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल द लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग कैरियर से होंगे, और एनी भी बहुत ठीक ठाक फ्रेश लग रही है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लगा एनी को सुन के भी। और लिसनर्स, आप बताइए आप लोगों का ये वीक कैसा गुजरा, और लास्ट वीकेंड की तरह आपको इस प्रोग्राम में भी हम लोग बहुत इंजॉय एंटरटेन करवाने वाले हैं लिसनर्स। तो आज हम आप लोगों को एक और सफर पे लेकर चलेंगे, जैसे कि ये वीकेंड बस है जो वीकेंड के आखिर में चलती है बस, जैसे कि जायके का सफर में आप लोग मुख्तलिफ टिप्स और मशरूबात इंजॉय कर रहे होते हैं, और हमारे आरजेस की आवाज में आप बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज दे रहे होते हैं। तो इसी तरह आज हम वीकेंड बज में आपको लेके चलेंगे एक और सफर में, जो कि है शोबिज का सफर, जिसमें हम अपने पिटारे में बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। और आज हम अपने पिटारे में क्या लेकर आएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। जैसे कि यानी आपने कहा रेडियो शो, बिल्कुल ये हमारे लिए एक नई इन्वेंशन भी हो सकती है, लेकिन मे बी कि ये पहले भी इन्वेंटेड हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये रेडियो शो का जैसे एपिसोड, और बहुत डिफरेंट और बहुत मजे का लगा आपका ये इन्वेंशन। तो हम इसी नई इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को बताते चलेंगे। जैसे कि एनी ने बताया, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, नंबर जैसे कि एनी बता चुकी है ऑलरेडी 0330860072। इसके अलावा मजीद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं www.naisubah.org/radio पर आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त, और जल्दी जल्दी आप ये लिंक्स अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ और भी लोग हमारा शो सुन सकें। और डेफिनेटली आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारा शो को एंजॉय कर सके और हमारी वीकेंड बज में आपके साथ वो भी सफर कर सके। जी भाई, जल्दी जल्दी बता दें आप लोगों ने लिंक शेयर कर दिया या नहीं किया, जल्दी से बताएं, ताकि हम आपको और भी बता सके कि आप हमें फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं। जानना चाहेंगे आप लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं www.facebook.com/naisubahinstitute पर। तो ऑलराइट लिसनर्स, मैं आपको ऑलरेडी तमाम तरीकेकार बता चुकी हूँ जिसपे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कमेंट कर सकते हैं, आप हमें लाइव सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, और आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमें मैसेजेस कीजिए, और मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, ताकि हम अपने प्रोग्राम में आपके मैसेजेस शामिल कर सकें और एंटरटेन कर सकें। ओके, तो सिद्रा ने बता दिया भाई कि क्या क्या रास्ते के जराए हैं, अब आप लोगों को जोन सा भी रास्ता जरिया पसंद है, बस उसे आपने अपनाना है और आपने आ जाना है हम तक। और यकीन जानिए आपके मैसेजेस हमारा खून बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और हमें मजीद मतलब इसके लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि नए नए शोज हमें किस तरह से करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हमारी पिटारी में निकला है क्लासिकल बॉलीवुड मूवीज, तो इसके बारे में आज हम आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और जिन मूवीज की मैं आपसे बात करी, जो क्लासिकल मूवीज रही हैं हमारी, वो 90s की मूवीज रही हैं, और उनके बारे में आज हम आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, और आप लोग इस इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत इंजॉय करेंगे हमारे प्रोग्राम को। तो लिसनर्स, प्लीज हमारा शो सुनते रहिए।
90s की मूवीज की अगर हम बात करें तो नन अदर देन शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे लेजेंड्स हैं जो हमें हर दूसरी मूवीज में नजर आते थे, कभी लव ट्रायंगल की सूरत में, कभी कपल्स की सूरत में। और इनकी जो टॉप मूवीज हैं 90s की जिसमें शामिल है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, डुप्लीकेट है, बादशाह है, ये ऐसी मूवीज हैं जिन्हें आप बार बार भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आप फर्स्ट टाइम की तरह ही एंजॉय करेंगे इन मूवीज को। ये तमाम मूवीज एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे कि कुछ कुछ होता में कॉलेज लाइफ दिखाई गई है और उसके बाद उनकी कॉलेज की बात की आफ्टर लव लाइफ दिखाई गई है। इसी तरह से कभी खुशी कभी गम मूवी की बात करें तो हम एक फैमिली मूवी भी है जिसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, रोमांस भी है और इसमें कॉमेडी भी है और इसमें फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करने वाली बहुत सारी चीजें। ये कंप्लीट पैकेज मूवीज हैं जिन्हें मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर देखिएगा। क्या बात है, चले सिद्रा मैं आ जाती हूँ यहाँ पर भी। और लिसनर्स आप लोगों को आई होप गाना पसंद आया होगा। प्लीज अगर गाने में आप लोगों की किसी भी तरह की फरमाइश हो तो आप लोग हमें अगेन 0330860077 इज द नंबर, आप वहां पर हमें बता सकते हैं। अर्ली 90s की जब हम बात कर रहे हैं और लेट 90s की भी बात कर रहे हैं तो वहां पर हम साथ साथ हैं और दिल तो पागल है और एक और था जिसका नाम मैं सब भूल गई हूँ। एग्जैक्टली हम आपके हैं कौन, खैर मैं तो आपकी आरजे हूँ, सिद्रा मेरे साथ मौजूद है, लेकिन हम आपके हैं कौन ये भी सलमान खान। उस टाइम पे क्या लड़कों का क्रेज होता था कि सलमान खान और वो माधुरी का एक मजेदार किस्म का एक पेयरिंग थी। तो हम साथ साथ हैं की बात की जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली ओरिएंटेड मूवी जिसमें मतलब सब साथ साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और स्टेप ब्रदर भी हैं तो उससे सब बहुत प्यार करते हैं और वहां पर टिपिकल वो साजिशें रंजिशें कॉन्स्पिरेसी वो भी दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि ज्वाइंट फैमिली के बिना आप कुछ नहीं होता और ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली वाले हैं तो भी मूवी देखें और ज्वाइंट फैमिली वाले नहीं है तो पक्का देखें ताकि आपको एहसास हो कि ये कितना खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना, चाचा मामा ताया डिफरेंट कजन, ये सब बहुत मजेदार एक आप लकी हैं अगर आपके पास ये सारे रिश्ते मौजूद हैं। और अगर हम बात करते हैं हम आपके हैं कौन तो वो भी आपको पता है किस तरह से एक बड़ी खट्टी मीठी सी स्टोरी है कि वो बड़े भाई की और मतलब भाभी और भाई के साथ एक जो कनेक्शन बना हुआ होता है बहन का उनके भाई का और फिर वो दोनों की इन्वॉल्वमेंट और फिर शादी एंड फैमिली और फिर बहुत अच्छा सा एक वो अंताक्षरी सेटअप, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो भी एक बहुत ही क्लासिकल मूवीज में से एक मूवी है। माधुरी अपनी जगह एक सुपर डुपर स्टार है और अभी उन्होंने अपना स्टार्ट वापस अपना करियर किया और नेटफ्लिक्स से उन्होंने स्टार्ट किया और फेम गेम, अगर उनकी आपको मैं बता दूं कि फेम गेम में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, उसमें भी वो एक एक्ट्रेस हैं और उसमें उन्हीं की बेटी उनको उनका मर्डर करवा देती है जस्ट बिकॉज टू गेट फेम। तो ये बताया गया फेम गेम ये है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी जगह मतलब लेनी है दूसरे से चाहे वो आप गलत तरीके से क्यों ना लें। तो इसके अंदर संजय कपूर उनके साथ मौजूद थे और ये संजय कपूर वही है जो उस मूवी में उनके साथ थे जिस मूवी में इनका नाम राजा था और वो गाना भी था फूल मांगू ना बहार मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, कुछ इस तरह का गाना था, एवरग्रीन सॉन्ग है, आज भी रक्षो में चिंचियों में W11 में बहुत अच्छे से चलता हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये भी कुछ क्लासिकल मूवीज हैं जिनकी बात की जाए। इसके अलावा हाईवे अगर हम बात की जाए कुछ मॉडर्न मूवीज के बारे में तो उनमें आलिया भट्ट की हाईवे बहुत ही बेहतरीन मूवी और अगर संजय दत्त की बात की जाए तो मुन्ना भाई MBBS उसकी बन की बात करें, सर्किट का कैरेक्टर मतलब सर्किट ने उसको ना मतलब क्या कहते हैं जिंदगी दी है इस मूवी को, इवन तो संजय दत्त की एक्टिंग अपनी जगह और संजय दत्त के वालिद उसमें मौजूद थे। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि सुनील दत्त जो थे जो उनके वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो सुनील दत्त ही थे, यानी कि उनके अपने जाती पापा। बाकी उनकी जो वालदा है ममा है नरगिस दत्त उनकी भी एक्टिंग कमाल। मदर इंडिया वॉज द फर्स्ट मूवी, जब मैंने अपनी ऑस्कर के मुताबिक एक शो किया था तो उसमें मैंने बताया था मदर इंडिया इंडिया की वो पहली मूवी थी 1956 में ये ऑस्कर के लिए गई थी और ये सिर्फ एक अवार्ड से रह गई थी और इस मूवी के अंदर सुनील दत्त ने इनके बेटे का कैरेक्टर प्ले किया था। इवन दो बिरजू का कैरेक्टर दिलीप कुमार ने प्ले करना था लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे ये नहीं करना मतलब, तो फिर उनकी जगह पे नए आर्टिस्ट को चांस दिया गया और वो थे सुनील दत्त साहब। और सुनील दत्त साहब और फिर नरगिस का आपस में मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और फिर उन्होंने शादी कर ली। इवन दो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल शादी थी लेकिन इंडिया में इट्स रियली कॉमन नाउ डेज के इंटरकास्ट शादियां हो जाती हैं, रिलीजन अगर आपका
दूसरा दो भी शादियां हो जाती है, वहां कुछ मिक्सअप चल रहा है लेकिन हो जाता है. तो ऑल सेट व्हेन द एंड इज सेट आई गेस. तो ये था कुछ क्लासिकल मूवीज के हवाले से. मुझे लगता है मैंने काफी अच्छे से अपडेट किया आप लोगों को, और ये सारी मूवीज आप यकीनन चाहेंगे कि आप देखें और आपको पसंद आए. और अगर आपको पसंद नहीं आएंगी तो आप मुझसे लिखवा लें, जो आप कहेंगे मैं वो पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सब बहुत कमाल धमाल बेमिसाल और उधम मूवीज हैं. तो कॉमेडी की बात की जाए और गोविंदा की बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता. तो हद कर दी आपने, एक इंतहाई कमाल मूवी. अगर नहीं देखी तो आई रिकमेंड यू टू आपको मूवी देखें. और अभी भी गोविंदा ने उसके बाद सलमान खान के साथ जो पार्टनर की थी वो भी बहुत कमाल की थी. उसके अलावा गोविंदा की एक और मूवी आई थी लाइफ पार्टनर, वो भी कमाल थी. और गोविंदा वो वाहिद एक्टर है जिनके अंदर कॉमेडी का भी मतलब टैलेंट है, और उसके अलावा वो सीरियस भी कर सकते हैं. और सीरियस अगर आपने उनका देखना है तो नसीब उनकी मूवी है, जिसमें वो गाना भी था कि नसीब में नहीं था शायद मिला नहीं कुछ इस टाइप का. तो वो उसके अंदर जो है बहुत कमाल, उन्होंने बहुत ही जज्बाती एक्टिंग की थी. इसके अलावा राजेश खन्ना के साथ एक मूवी में जिनमें वो उनके नौकर बने हुए थे, जूही चावला उनकी सिस्टर बनी हुई थी, उस मूवी के अंदर उन्होंने बहुत कमाल एक्टर किया, साहब जी. और वो जो अपना एक नौकर मालिक का रिश्ता उन्होंने उसमें दिखाया. रीना रॉय जो थी वो उसमें उनकी भाभी बनी हुई थी, और ये रीना रॉय वही है जो मोहसिन खान की वाइफ हुआ करती थी, एक्स वाइफ. और अब उनकी बेटी जो जन्नत है वो उन्हीं के पास है, रीना रॉय के पास, वो मोहसिन खान के पास नहीं है. वो क्यों नहीं है मुझे नहीं पता. खैर, जो रीना रॉय ने नागिन वाली मूवीज से स्टार्ट लिया, और अगर अभी भी कहीं नागिन का जिक्र आता है तो पहली नागिन जो माइंड में आती है ना वो शिवन्या नहीं आती है, वो रीना रॉय आती है. उसके अलावा बात की जाए तो श्वेता तिवारी जो है उन्होंने भी नागिन के काफी सारे रोल किए हैं, बट तो खैर बैक टू बैक सीरीज चलती गई. तो कॉमेडी की बात हो रही है तो फिर अजय देवगन के पास आ जाते हैं. लेकिन आप कहेंगे अजय देवगन से तो दिल जले याद आता है. दिल जले अगेन एक क्लासिकल मूवी सोनाली के साथ उन्होंने की थी, और इसके अंदर बहुत कमाल के एक्शंस, और अमरीश पुरी अगेन अ ग्रेट विलन. अब मौजूद नहीं है हमारे दरमियान लेकिन उनकी एक्टिंग हमेशा रह जाएगी. श्रीदेवी की बात की जाए, उनका सदमा और कमल हसन की मूवी कमाल, अनिल कपूर के साथ उनकी मूवीज कमाल थी. लेकिन हम फिर अगेन वापस आ जाते हैं, हम बोलेंगे फिर मैं ट्रैक से हट जाती हूँ. कॉमेडी की बात हो रही है तो भाई मुझे अजय देवगन पसंद आए कब, जब वो किया उन्होंने गोलमाल 1, 2, 3, 4 एंड ऑन, मतलब उनकी जो सीरीज चल रही थी. हाँ, एंड वाली जो गोलमाल आई है अगेन, जिसके अंदर परिणीति थी वो इतनी कमाल नहीं थी, लेकिन उससे पहले की गोलमाल काफी अच्छी थी, करीना के साथ जो उनकी थी, और पहली वाली के अंदर जो है रिमी सेन मौजूद थी, तो उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की. और जितने भी लोग थे, शर्मन जोशी थे, अर्शद वारसी थे फर्स्ट वाले में, उसके बाद फिर कुमाल खेमू आ गए, और फिर लोग बढ़ते चले गए, श्रेयास्थल पड़े थे और बहुत सारे और लोग तेरे श्रेयास्थल पड़े, वही जिन्होंने इकबाल मूवी से अपना करियर स्टार्ट किया था. तो आप लोगों को कॉमेडी मूवीज कैसी लगती हैं? इसके अलावा धमाल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, ढोल एक मूवी आई थी वो बहुत ज्यादा पसंद है. तो कॉमेडी मूवीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, नवीद जाफरी उसके अंदर मौजूद थे, और उनकी एक्टिंग स्किल्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी बहुत अच्छी होती है. और मैं नवीद जाफरी को कब से जानती हूँ, जब वो बूगी बूगी कर देते, और बूगी बूगी हमारा बचपन का बेहतरीन शो होता था, और हम अपने आप को डांसर समझ रहे होते थे कि हम भी वही, और हमारे बातें करते थे बू बू. खैर एनी हाउ, तो कॉमेडी मूवीज की बात की जाए तो अजय की गोलमाल अगर आपने नहीं देखी तो फिर जनाब आपने क्या देखा. और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात की जाए तो वो तो एक ऑलराउंडर है, तो उनकी एक आई है फ्रीकी अली, एमी जैक्सन के साथ आई है. और ये एमी जैक्सन वही हैं जिन्होंने आई मूवी से अपना डेब्यू किया था साउथ में, और उसके बाद वो आ गई थी बॉलीवुड में. और उसके बाद यहाँ पर इतना सक्सेस नहीं किया. सिंग इज ब्लिंग में वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी, इवन दो शी इज प्रिटी, लेकिन एक्टिंग में इतना खास कोई चार्म उनका है नहीं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रणबीर कपूर की बात की जाए तो ए दिल है मुश्किल और संजू में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है. तो संजू बहुत क्लासिकल मूवी, अगेन क्लासिकल अभी शायद होने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत कमाल की मूवी है. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड आप देखिए. और लास्ट काल की जो है वो आ चुकी है, और इंडिया की 6 बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म बन चुकी है. आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज देखें, डीपी इन द मूवी. अब डीपी कौन डिस्प्ले पिक्चर नहीं, दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं हम लोग. प्रभास उसके अंदर मौजूद है, वही जो आजकल कृति सैनन के साथ काफी आपको खबरों में नजर आएंगे. अमिताभ बच्चन इसमें हैं, और अमिताभ बच्चन इसमें हीरो हैं, और प्रभास इसमें विलन है, लेकिन ऐसा विलन है जिसको सब चाहते हैं.
तो कालकिन का एक अवतार होता है, एक गॉड होता है, वो उसके ऊपर बेस्ड ये कहानी है। इनकी यूजुअली इसी तरह की स्टोरीज होती हैं, लेकिन लोगों ने उसको काफी ज्यादा पसंद किया है और देखते हैं अब क्या होता है। ये 6 फिल्मों में शामिल तो हो चुकी है, क्या ये जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी? वैसे तोड़ चुकी है जहां तक मैंने इसका वो देखा था लास्ट बॉक्स ऑफिस, तो जवान का रिकॉर्ड तो तोड़ चुकी है, लेकिन बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी वो हम देखते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। जाने से पहले अपने लिसनर्स के कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले बताने चाहिए हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं, जो कि वैसे तो शोबिस से बहुत दूर हैं पर हमारे शो के थ्रू कनेक्टेड हैं और बहुत इंजॉय करते हैं हमारा शो सुन के। इसके अलावा अलिया हैं जो हमें सुन रही हैं कराची से और कह रही हैं कि आपका शो बहुत औसम है, थैंक यू सो मच अलिया। और इसके अलावा हमें सुन रहे हैं इफ्तिखार साहिवाल से, और सादिया सुन रही हैं हमें मुल्तान से, और फातिमा ने भी सुना है कराची से और बहुत पसंद किया हमारे शो को। थैंक यू सो मच मिस्टर्स आपके कमेंट्स का और आप लोगों के फीडबैक का, और आप लोगों के फीडबैक हमारे इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसी तरह से फीडबैक देते रहिए ताकि हम लोग मजीद आप लोगों के लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। तो अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब वापस जाने का वक्त हो चुका है, तो एनी अब मैं इस बस से उतर रही हूँ, आप इस बस को पार करके वापस आ जाइएगा इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अपने लिसनर्स के साथ, सेम टाइम सेम चैनल। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा और कभी किसी का दिल नहीं दिखाएं और हमेशा सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। वेल 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 वेल, तो सिद्रा तो चली गई है और सिद्रा ने कह दिया है अल्लाह हाफिज, तो सिद्रा बाय बाय। और अब मेरा टाइम आ गया क्योंकि मेरे स्टेशन मास्टर साहब मुझे भी काफी ज्यादा लुक्स दे रहे हैं कि भाई हाँ तुम किधर, कब जाओगी। तो लिसनर्स आज का शो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर कोई ऐसी मूवी जो रह गई है आप चाहते थे कि ये भी ऐड होनी चाहिए थी तो आप प्लीज हमें हमारे नंबर पर जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते जैसे हमेशा से कहती हूँ अभी भी मैं वही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों और दावतों में आपने जाया नहीं करना है, और अगर आपका अपना कोई नाराज है रूठ गया है तो उसे मना ले, क्या पता कल होना हो और फिर आप बस अफसोस में रह जाएं कि काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। ये काश जो है ना काफी टॉक्सिक होता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है, ट्रस्ट मी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने प्यारे से क्यूट से लिसनर्स की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी भी तबाह हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना और सॉरी करते रहना, क्योंकि सॉरी कहने से आपकी नाक छोटी नहीं होती है, आपका दिल बड़ा होता है और लोगों के दिल में आपके लिए प्यार मजीद बढ़ता है। तो इसी अच्छी सी बात के साथ, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया, तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद एंड हास्ता ला विस्ता।